नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं अभिसार। गए वो जमाने जब सिर्फ फिल्म एक्टर्स और क्रिकेटर्स ही स्टार्स की फहरिस्त में आते थे। छोटे पर्दे का कमाल देखिए, अब तो स्टार बनने के कई रास्ते निकल आए हैं। आप लोगों को हंसाकर, गड्ढे में फंसकर और स्टेज पर गाकर भी शोहरत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, गाकर और लगातार गाकर। ये बात अलग है कि आप सुर में बेशक ना गा रहे हो। अगले आधे घंटे बात उनकी जिन पर सवार है शोहरत की बुलंदी हासिल करने का और उसके लिए कुछ भी करेगा। सबसे पहले बात उनकी जिन पर सवार था जुनून सबसे ज्यादा वक्त गाने का। दीवानगी की हद कुछ ऐसी कि इनकी आवाज जाते जाते रह गई, मगर मजाल है खंडवा की सानिया को कोई रोक सके। में पड़े छाले और गले में आई सूजन भी सानिया के बुलंद इरादों को पस्त नहीं कर पाई। लक्ष्य था 130 घंटे लगातार गाकर रिकॉर्ड बनाना। सानिया पर नाम कमाने का जुनून इस कदर हावी रहा कि उसने 101 घंटे लगातार गाकर दीपदास का रिकॉर्ड तोड़ ही डाला। लेकिन रिकॉर्ड के लिए अभी उसे 29 घंटे और गाना था। डॉक्टरों की सख्त मनाही के बाद भी रिकॉर्ड के लिए जीने मरने को तैयार सानिया नहीं रुकी और गाती रही। छाले हो गए, मुंह में इन्फेक्शन हो गया है। जब तक मुझे खुद को नहीं लग जाता कि मैं टूट गई हूँ, मैं हार गई हूँ, जब तक मैं नहीं उतर सकती हूँ। ऐसा ही कुछ हाल है इंदौर की अदिति गुप्ता का। वो 85 घंटे लगातार नाचने का रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं। 16 साल की अदिति अभी 12वीं क्लास में पढ़ती हैं, लेकिन शोहरत की बुलंदियों को छूने की चाह ने उसके इरादे को भी मजबूती दे डाली। बुंदेलखंडी, राजस्थानी, फोक डांस, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और वेस्टर्न। उसमें 85 आवर्स में एक भी सॉन्ग रिपीट नहीं हुआ है। मैंने 750 सॉन्ग्स लिए हैं। बच्चों के माता पिता भी उनके इस अति महत्वाकांक्षी व्यवहार को बढ़ावा देते हैं और उन पर कुछ अलग करने का दबाव डालते हैं, और अगर वो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो न केवल उनका मनोबल लड़खड़ा जाता है बल्कि उनकी भावनाओं को भी करारी चोट पहुंचती है। भोपाल से समीर खान और इंदौर से हेमंत शर्मा के साथ शैली श्रीवास्तव, NDTV इंडिया के लिए। अब जो लोग गा नहीं रहे वो नाच रहे हैं, और खंडवा से कुछ दूर इंदौर की अदिति को सवार है जुनून लगातार 85 घंटे नाचने का। लोकप्रियता हासिल करने के उस जुनून में उन्हें अपने माँ बाप का भी साथ मिल रहा है। इंदौर का ये वही गांधी हॉल है जहां कुछ समय पहले यहां की एक नन्ही गायिका आकांक्षा ने 61 घंटे तक गाने का रिकॉर्ड बनाया। आज यहीं पर अदिति गुप्ता लगातार 85 घंटे डांस करने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है। 16 साल की अदिति 12वीं क्लास की छात्रा है और अभी से दूसरों के लिए डांस क्लास चलाती है। अदिति का कहना है कि वो 85 घंटों के दौरान 700 से ज्यादा गानों पर डांस करेगी। अदिति का दावा ये भी है कि ये एक साधना है। अदिति ने जो गाने चुने हैं उनमें हिंदी, मराठी, लवड़ी, पंजाबी और पाकिस्तानी गाने शामिल हैं। साथ ही वो कुछ शास्त्रीय गानों पर भी डांस करेगी। उसमें 85 आवर्स में एक भी सॉन्ग रिपीट नहीं हुआ है। मैंने 750 सॉन्ग्स लिए हैं। ये मैंने दो तीन साल से कुछ सोचा था कुछ करने का है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरे को रिकॉर्ड बनाना है या किसी का तोड़ना है। रोज मैं 10 से 12 घंटे डेली प्रैक्टिस करती आई हूँ और मैंने ये तैयारी केवल 20-25 दिन के अंदर ही करी है। और सोचा मैंने 2 साल से, तब अगर मेरी फादर मदर की परमिशन नहीं थी मेरे लिए। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरा सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं थी। 85 घंटों तक डांस करना किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड बनाने की अंधी दौड़ ऐसी है कि अदिति ऐसा करने में अपने को झोंक चुकी है और उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं डांस के बीच में चल रहे धार्मिक गाने। अदिति की कामयाबी शायद उन्हें भी मशहूर बना दे, इसी उम्मीद में अदिति के माता पिता इस रिकॉर्ड के लिए अदिति का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। अदिति जब 4 साल की थी तब से वो डांस करती है। उसके माता पिता का कहना है कि लगातार 4 रात और 3 दिन तक डांस करने के लिए अदिति ने खूब अभ्यास किया है। जब उन्होंने 3 रात जाकर मुझे दिखाया, डांस करके हुए दिखाया, तो मुझे यकीन आ गया कि जो 3 रात जाग सकता है डांस करते हुए, तो दिन कोई बड़ी बात नहीं है। दिन में भी डांस किया मैंने, पर दिन में क्या है, घर में तो थोड़ा रेस्ट करने में आती है, जैसे खाना पीना नहाना
यहाँ तो जैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर घर में तो सब करना जरूरी है। बस उतना ही ब्रेक इन्होंने लिया और एक महीने के अंदर इन्होंने सारी तैयारी करके आज स्टेज पे आ गया। अदिति का डांस देखने के लिए गांधी हॉल में दर्शकों की भीड़ है। यहाँ आए सभी लोग मानते हैं कि ये काम मुश्किल है, इसके बावजूद उनकी शुभकामनाएं अदिति के साथ हैं। तो सबसे पहले तो उनको देखने में यही लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से उनकी, जब मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ मैं तो सबसे जो उनके स्टेप्स वगैरह भी सब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल केवल यही है कि डांस करना है, वो बिल्कुल स्टेज भी प्रॉपर कर रही है बहुत अच्छे से। इंदौर की आकांक्षा, खंडवा की सानिया और दीप गुप्ता के बाद अदिति रिकॉर्ड बनाने की इस भीड़ दौड़ में उतरी है। इसमें दर्शकों को जरूर मजा आ रहा है, लेकिन कम उम्र में बच्चों के शोहरत की ऐसी होड़ में शामिल होने से कुछ गंभीर सवाल भी जरूर उठ रहे हैं। इंदौर से हेमंत शर्मा के साथ अमृता राय, NDTV इंडिया के लिए।